अच्छा, 12 के बच्चे ध्यान दें, मैं आज आपको संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः, अयम भारत देशः धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ जन मानस पावनी मनुष्यों के चित्त को पवित्र करने वाली, ध्यान से देखिए, धन्यो अयम भारत देशः, अयम भारत देशः धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस पावनी का अर्थ होता है मनुष्यों के चित्त को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, भव्य सुंदर अच्छा, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसमिनी शब्दों के समूह को प्रसविनी जन्म देने वाली, शब्द संदोह शब्दों के समूह को प्रसविनी उत्पन्न करने वाली या जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी संस्कृत वाणी शमूलसते सुशोभित। फिर से देखिए आप, अयम भारत देशः धन्यो, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ जनमानस पावनी मनुष्यों के चित्त को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह शब्दों के समूह को, संदोह का मतलब होता है समूह, शब्द संदोह शब्दों के समूह को प्रसविनी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी या संस्कृत वाणी शमूलसते सुशोभित। तो इसका अर्थ हुआ, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के चित्त को, मनुष्यों के मन को, मनुष्यों के हृदय को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भावों को, सुंदर भावों को जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसमिनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी शमूलसते सुशोभित। विद्यमानेषु, विद्यमान का मतलब होता है विद्यमान वर्तमान, विद्यमानेषु वर्तमान या विद्यमान निखिलेष्वपि संपूर्ण, निखिल का मतलब होता है संपूर्ण, सारा समूचा अखिल। तो देखिए आप, विद्यमानेषु विद्यमान निखिलेष्वपि संपूर्ण वाङ्मयेषु शास्त्रों में, वाङ्मय का मतलब होता है शास्त्र, वाङ्मयेषु शास्त्रों में अस्याः, इसका वाङ्मयम् साहित्य सर्वश्रेष्ठम च सुसंपन्नम वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न। फिर से देखिए आप, विद्यमानेषु विद्यमान मौजूद उपस्थित, फिर से देखिए, विद्यमानेषु विद्यमान निखिलेष्वपि संपूर्ण वाङ्मयेषु शास्त्रों में अस्याः, इसका वाङ्मयम् साहित्य सर्वश्रेष्ठम च सुसंपन्नम वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न। आगे देखिए, इयमेव यही भाषा भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत के नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। फिर से देखिए आप, इयमेव भाषा यही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। आगे चलिए, अस्माकम हमारे रामायण रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा, चारों वेद सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद संपूर्ण उपनिषद, अष्टादश पुराणानि
18 पुराण च और अन्यानि दूसरे महाकाव्य नाट्यादीनि नाटक इत्यादि अस्यामेव इसी भाषायाम भाषा में लिखितानि लिखे गए संति हैं। फिर से देखिए आप, अस्माकम हमारे रामायण रामायण हमारा रामायण अस्माकम रामायण हमारा रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा चारो वेद सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद अष्टादश पुराणानि 18 पुराण च और अन्यानि दूसरे या अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषायाम भाषा में लिखितानि लिखे गए शंति हैं। आगे चलिए, इयमेव इसी भाषा भाषा को सर्वशम आर्य भाषाणाम समस्त आर्य भाषाओं की जननी मन्यते मानते हैं। फिर से देखिए, इयमेव इसी भाषा भाषा को सर्वा सामार्य भाषाणाम समस्त आर्य भाषाओं की सर्वा समस्त आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की जननीति जननी मनते मानते हैं। कौन मानता है? भाषा तत्वविद भाषा वैज्ञानिक। तो आप अर्थ यहां से निकालिए, भाषा तत्वविद भी भाषा वैज्ञानिक इमेव इसी भाषा भाषा को सर्वा सामार्य भाषाणाम समस्त आर्य भाषाओं की जननीति जननी मनते मानते हैं। आगे चलिए, संस्कृतस्य गौरवम संस्कृत का गौरव संस्कृतस्य संस्कृत का गौरवम गौरव संस्कृतस्य गौरवम संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना व्यापकत्च और व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता न कस्यापि किसी की दृष्टे अविषय दृष्टि का विषय नहीं मतलब यह किसी से छिपा नहीं। सारे लोग जानते हैं संस्कृत भाषा के बारे में क्योंकि हिंदुस्तान की सारी भाषाएं इसी संस्कृत भाषा से ही निकली, उनका उद्गम संस्कृत भाषा है। भारत की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब भी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। फिर से इसका अर्थ आप देखिए, संस्कृतस्य गौरवम संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना च और व्यापकत्वम इसकी व्यापकता कस्यापि किसी की दृष्टेह दृष्ट का अविषयः न अविषय नहीं अर्थात समस्त लोग सारे लोग इस बात को जानते हैं। आगे, संस्कृतस्य संस्कृत के गौरवम एव गौरव को ही संस्कृतस्य संस्कृत के गौरवम एव गौरव को ही दृष्टिम पथ आनी दृष्टि में रखकर दृष्टिम दृष्टि में आनी का मतलब होता है लाना ले आना रखकर ठीक है। फिर से देखिए, संस्कृतस्य संस्कृत के गौरवमेव गौरव को ही दृष्टिम पथ आनी दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडिनी ने सम्यक उक्तम उचित ही कहा है ठीक ही कहा है। फिर से देखिए, संस्कृतस्य संस्कृत के गौरवमेव गौरव को ही दृष्टिम पथ आनीय दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडिने सम्यक उचित युक्तम कहा है ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी महर्षियों ने संस्कृतम संस्कृत को दैवी ईश्वरीय वाक बाणी व्याख्याता कहा है। फिर से देखिए, महर्षियों ने संस्कृतम संस्कृत को दैवी वाक का मतलब ईश्वरीय वाणी दैवी का मतलब दैवी वाक का मतलब वाणी
दैवी वाक, दैवी या ईश्वरीय व्याख्याता कहा है। तो महर्षियों ने संस्कृतम, संस्कृत को इस दैवी वाक व्याख्याता, दैवी वाणी कहा है, ईश्वरी वाणी कहा। आगे चलिए, संस्कृतस्य, संस्कृत का साहित्यम, साहित्य, सरसम, सरस, च व्याकरणम, च और व्याकरणम, व्याकरण सुनिश्चितम, सुनिश्चित, श्योर है, सर्टेन है। आप इधर उधर उसमें जैसे वह जाता है तो आप सहगच्छतः नहीं कहेंगे, सहगच्छत ही कहेंगे, उसका रूल रेगुलेशन है। व्याकरण की दृष्टि से सारी चीजें उसमें हैं। देखिए आप, संस्कृतस्य, संस्कृत का साहित्यम, साहित्य, सरसम, सरस है, च और व्याकरणम, व्याकरण सुनिश्चितम, सुनिश्चित। तस्य गद्ये च पद्ये, उसके गद्य और पद्य में लालित्यम, लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्यता, अद्वितीयम, अद्वितीय, अने यहाँ देखिए श्रुति माधुर्यम, च च और अद्वितीयम, अद्वितीय, श्रुति माधुर्यम, श्रुति मधुरता वर्तते विद्यमान। देखिए जब संस्कृत को आप सुनते हैं तो एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसी को श्रुति, सुनने के बाद जो मधुरता प्राप्त होती है, कानों को, मन को जो शांति मिलती है, उसी के बारे में कहा गया है। फिर से देखिए, तस्य गद्ये च पद्ये, उसके गद्य और पद्य में लालित्यम, लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्यता, च और अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम, अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते विद्यमान है। किम बहुना, क्या अधिक कहें, किम बहुना का मतलब तो वैसे होता है क्या बहुत, लेकिन आप वाक्य को पूरा करने के लिए इतना लिखिए कि किम बहुना, क्या अधिक कहें, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण की यादृशीन जैसी सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम्, संस्कृत साहित्य ददाति, देता है, तादृशम उसके समान न किंचित दन्यत, और कोई नहीं देता, और कोई भी साहित्य संस्कृत के समान सत्प्रेरणा नहीं देता। फिर से देखिए आप, किम बहुना, क्या अधिक कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशीन जैसी सत्प्रेरणा, सत्य प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, तादृशम वैसा या उसके समान न किंचित दन्यत, और कोई साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना, विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, तादृशी वैसी अन्यत्र न, अन्यत्र और कहीं नहीं। फिर से देखिए, मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना, विवेचना व्याख्या संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते विद्यमान है, तादृशी वैसी अन्यत्र न वर्तते, और कहीं अन्यत्र दूसरी जगह नहीं, किसी और साहित्य में नहीं। देखिए आगे, दया, दानम, दान, शौचम, पवित्रता, औदार्यम, उदारता, अनुसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, दूसरे और दूसरे अनेक गुण अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलन, अनुशीलन से संजायते, उत्पन्न होते। फिर से देखिए आप, दया, दान, शौचम, पवित्रता, औदार्यम, उदारता, अनुसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलन, अनुशीलन से, अनुकरण करने से संजायन्ते, उत्पन्न होते। क्लियर है?
आगे चलिए। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, कविकुल गुरु कालिदास, च अन्य और अन्य भाष, भास, भारवी, भारवी, भवभूति आदि, भवभूत्यादयो है, भवभूति आदि महाकवय, महाकवियों ने स्वकीय अपने ग्रंथ रत्ने, ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय हृदय में विराजन्ते विराजमान है। फिर से देखिए इसका अर्थ, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, कविकुल गुरु कालिदास, च अन्य और दूसरे भास, भारवी, भवभूत्यादयो, भवभूति आदि महाकवय, महाकवियों ने स्वकीय अपने ग्रंथ रत्ने, रत्नई ग्रंथ के, ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय हृदय में विराजन्ते विराजमान हैं, उपस्थित हैं, मौजूद। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः, हमारे लिए मातृसमं, माता के समान सम्मानिया, सम्मानी च वंदनीया और वंदनीय। फिर से देखिए, इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः, हमारे लिए मातृसमं, माता के समान सम्मानिया च वंदनीया, सम्मानीय और वंदनीय है। यतो, क्योंकि भारत मातुः, भारत माता की स्वातंत्र, स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतम एकत्वम च, च और सांस्कृतम एकत्वम, सांस्कृतिक एकता के लिए, संस्कृतेनैव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम, सुरक्षित, शक्यन्ते, हो सकती। फिर से देखिए, इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः, हमारे लिए मातृसमं, माता के सम्मान समान, सम्मानिया च वंदनीया, सम्मानी और वंदनीय है। यतो, क्योंकि भारत मातुः, भारत माता की स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, च और सांस्कृतम एकत्वम, सांस्कृतिक एकता के लिए, संस्कृतेनैव, संस्कृत के द्वारा ही, सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम, सुरक्षित, शक्यन्ते, हो सकती। क्लियर है? इयम, यह, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वांशु, सभी भाषासु, भाषाओं में प्राचीनतमा च श्रेष्ठा अस्ति। फिर से देखिए, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वांशु, सभी भाषासु, भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन च और श्रेष्ठ अस्ति, श्रेष्ठा अस्ति, श्रेष्ठ। ततः, अतः, सुष्ट, सुष्ट का मतलब उचित, ठीक, सुष्ट, उक्तम, उक्तम का मतलब कहा गया है। अतः, ततः, अतः, अतः, सुष्ट उक्तम, ठीक ही कहा गया है कि भाषासु, भाषाओं में मुख्या मधुरा, मुख्य और मधुर, गीर्वाण दिव्या, दिव्य गीर्वाण भारती इति, यहां से अर्थ निकालिए। आप देखिए, गीर्वाण वाणी, देववाणी भाषासु, भाषाओं में मुख्या, मुख्य मधुरा, मधुर दिव्या और दिव्य। देखिए फिर से, ततः, इसलिए, सुष्ट उचित उक्तम कहा गया, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि गीर्वाण वाणी, देववाणी भाषासु, भाषाओं में मुख्या मधुरा, मुख्य और मधुर दिव्या और दिव्य। क्लियर है? आज बस इतना ही, कल मैं आपको हिंदी पद्य पढ़ाऊंगा। थैंक यू।